Everyone, welcome to Current Crunch. इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान करंटली वी आर ऑन आर सेकंड चैप्टर है. ठीक तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म सेकेंड चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब टू तो माई चैनल लाइक द वीडियो एंड यू कैन ऑलवेज डिसलाइक इट अगर आपको पसंद नहीं आया और मेरे कॉमेंट से बताएं आपको क्या पसंद नहीं आया तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म देखो हमें पता है एक हमारे पॉजिटिविस्ट हैं ठीक है जो कहते हैं कि सोशोलॉजी को वैसे स्टडी करो जैसे आप एक साइंटिफिक डिसिप्लिन को स्टडी करोगे और सिंबॉलिक इंटरक्शनिज्म आपके किन में आ जाते हैं नॉन पॉजिटिविस्ट में जो कहते हैं कि सोशोलॉजी को आप साइंस नहीं बना सकते हो क्योंकि सोशोलॉजी में आप डील करते हो ह्यूमन बीइंग्स के साथ और ह्यूमन बीइंग्स सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्यूमलाई पे रिएक्ट नहीं करते अगर वो कोई एक्ट कर रहे हैं तो उस एक्ट के पीछे कोई पर्पस होता है कोई मीनिंग होता है तो आपको इंडिविजुअल के मीनिंग को समझना पड़ेगा उनके सोशल एक्शन और इंटरैक्शन को समझने के लिए सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है उसी का एक सब पार्ट है इसको इंटरेक्शनिस्ट परस्पेक्टिव का सब पार्ट भी आप बोल सकते हो ये रिवाइज करने के लिए हम एक बार पीछे चलते हैं जहां पे आपने मेजर स्टैंड इन रिसर्च मेथडोलॉजी देखा था हमने कहा था सोशोलॉजिकल अप्रोचेस आपके माइक्रो होते हैं जिनको इंटरप्रेटिव भी बोलते हैं और माइक्रो आपके पॉजिटिविस्ट हो गए और माइक्रो इंटरप्रेटिव में कौन से आपके आ जाते हैं सिम्बॉलिक इंटरक्शनिज्म एंड एथनो एथनोमेथेडोलॉजी और माइक्रो में आते हैं आपके फंक्शनलिज्म एंड कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ पर्सपेक्टिव तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है हम अभी करंटली क्या कर रहे हैं सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म ठीक है देखो अगर आपको नाम से भी क्लियर हो रहा होगा ये इंटरैक्शन की बात हो रही है इंटरेक्शन किसके बेसिस पे सिंबल्स के बेसिस पे ठीक है आप सिंबल्स को यूज करके इंटरेक्ट करते हो फाइन अब वो सिंबल्स क्या होते हैं वो आपके लैंग्वेज हो सकता है आपका जेस्टर हो सकता है ठीक है तो ये बेसिकली इसी इंटरक्शन को स्टडी करने की कोशिश करता है अब इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक समरी देखते हैं जो बेसिक प्रिंसिपल्स कहे हैं सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के ये मैंने आपको इसका बेसिक सा आइडिया बताया कि इंटरेक्शन जो होता है ऑन द बेस ऑफ सिंबल्स होता है अब ये जो सिंबल्स होते हैं उनका वो एक शेयर्ड मीनिंग में होने चाहिए दैट मीन्स वो सिंबल्स जो हैं वो हर कोई समझना चाहिए अगर मैं आपको थम्सअप का सिंबल दिखाऊं तो आपको भी पता है कि थम्स अप का मतलब विक्ट्री होता है ठीक है तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए अदरवाइज अगर मैं आपको थम्सअप का साइन दिखाऊं आप तो यही समझोगे ना कि मैं बस आपको अंगूठा दिखा रही हूँ पर मीनिंग समझने के लिए इंटरेक्शन बिल्ड करने के लिए जरूरी है कि आप भी सिंबल को समझो फाइन और कई डिफरेंट कल्चर्स में थम्स अप का मीनिंग कुछ अलग हो सकता है तो हो सकता है आप किसी और सोसाइटी में जाओ वहां पे थम्स अप का मीनिंग कुछ और हो और वहां पे आप उस मीनिंग के अकॉर्डिंग थम्स अप दिखाना शुरू कर दो ठीक है ये बोलने का मतलब क्या है कि जो सिम्बल्स हैं इसके जो एसोसिएटेड मीनिंग्स हैं वो चेंज भी हो सकते हैं इन कोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन कोर्स ऑफ सोशल सेटिंग जहाँ पे आप करंटली प्रेजेंट हो हम क्वेश्चन ये पॉइंट्स uh, देखते हैं जिसने समराइज किया है यहाँ पे सिम्बॉलिक इंटरैक्शन को कि इनने क्या कहा था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं अनलाइक लोअर एनिमल्स देर एंड डाउट विद कैपेसिटी फॉर थॉट देखो सिंबॉलिक इंटरक्शन का क्या कहना है कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है ठीक है सोशलाइजेशन क्या हुआ कि जब आप पैदा होते हो आपके पेरेंट्स आपको कुछ वैल्यूज इन्फ्यूज करते हैं आप में कुछ वैल्यूज डालते हैं वो वैल्यूज होते हैं वो नॉर्म्स आपके सोसाइटी के बेस पे होते हैं जो आपके सोसाइटल अप्रूव्ड नॉर्म्स होंगे फॉर एग्जांपल झूठ मत बोलो चोरी नहीं करनी चाहिए बड़ों की रेस्पेक्ट करो बड़ों को सामने से विश करो तो ये सारी जो चीजें हैं सोसाइटल नॉर्म्स है सोसाइटल वैल्यूज बोल सकते हो आप इनको तो ये आपको बचपन से ही सिखाई जाती है दैट मीन आपको पहले से ही सोशलाइज किया जा है, ताकि आप सोसाइटी में कल को जब आप बड़े हो जाओ आप सोसाइटी में रह पाओ फाइन तो इनका क्या मानना है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट का क्या मानना है कि जो सोशलाइजेशन होती है उससे हमारी ये कैपेसिटी फॉर थॉट डेवलप होती है कि ये हमें सोशलाइजेशन का प्रोसेस हमें एक सोचने समझने की शक्ति देता है ठीक है कैपेसिटी फॉर थॉट डेवलप होता है दैट मींस अब हमारा जो ये माइंड है ये एक प्रोसेस चलाएगा कोई भी काम एक्शन करने से पहले हमारे दिमाग में प्रोसेस चलेगा हम सोचेंगे क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्योंकि सोशलाइजेशन से हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति आई है फाइन और हम सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्यूमलाई को रिएक्ट नहीं करते हैं जैसे कि आपके बिहेवियर स्कूल स्कूल ऑफ थॉट है बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट ठीक है ये क्या करते हैं इनका मीनिंग है कि एक्सटर्नल स्ट्यूमलाय को देख के आप रिएक्ट करो किसी को कोई एक्सटर्नल स्ट्यूमिला मिलता है और वो अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स करता है फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा रो रहा है तो बिहेवियर स्कूल का क्या मानना है उस चाइल्ड बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए आप बच्चे को टॉय दे दो वो हंसना शुरू कर देगा या खेलना शुरू कर देगा और रोना बंद करेगा दैट मीन्स एक एक्सटर्नल स्ट्यूमलाय प्रोवाइड हुआ जिसके बेसिस पे क्या किया बच्चे ने रिएक्ट किया लेकिन इनका सिंबॉलिक इंट्रैक्शन का मानना है कि इंसान के साथ आप डील कर रहे हो ह्यूमन कॉन्शियसनेस कोई चीज होती है

हम काफी प्लान करके जाते हैं वेडिंग रिंग कहाँ जाए कैसी होनी चाहिए फाइन गूगल इमेजेस भी सर्च करेंगे कि हमें इस टाइप की वेडिंग रिंग बनवानी है कई लोग कस्टमाइज वेडिंग रिंग बनवाते हैं है तो वो एक सिंपल सी रिंग है लेकिन वेडिंग रिंग एक सिंबॉलिक वैल्यू रखती है आपके लिए आपका कल्चर आपको ये चीजें सिखाता है तो आप बोल सकते हो पीपल लोग जो है दे लर्न मीनिंग्स एंड सिंबल्स यहाँ पे वेडिंग रिंग की एग्जाम्पल जो अलाउ करता है उनको एक्सरसाइज करने के लिए अपनी सोच समझ फाइन आपके लिए वेडिंग रिंग एक सिंबॉलिक वैल्यू रखता है वो आपको अलाउ करता है कि आप सोच के समझ के बोलते हो कि आपको कैसी वेडिंग रिंग चाहिए और उसके बाद भी आपको कैसे उसको संभाल के रखना है फाइन आगे देखते हैं मीनिंग्स एंड सिंबल्स अलाउ पीपल टू कैरी ऑन ह्यूमन एक्शन एंड डिस्टिंग जो लोगों ने एसोसिएट किए हैं चीजों के साथ वो अकॉर्डिंगली उनको अलाउ करता है लोगों को अपने ह्यूमन इंटरेक्शन या एक्शन डिस्प्ले करने के लिए इसके भी आप एग्जाम्पल ले लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुत्ते से बहुत डरते हो ठीक है स्केर ऑफ डॉग्स अब अगर आप कहीं मार्केट में जा रहे हो आपने डॉग को एक मीनिंग दिया हुआ है ये एक फेयरफुल एनिमल है ठीक है एक फ्यस एनिमल है आप इसे डरते हो तो अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट करोगे जब आप रस्ते में कहीं कुत्ता देखोगे आप भागना शुरू करोगे तो क्यों भागोगे क्योंकि हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो कि आप कुत्तों से काफी डरते हो दैट मीन्स आपने कुत्ते को एक मीनिंग दिया हुआ है कि ये एक फ्यस एनिमल है ये एक डरावना जानवर है हो सकता है फिर टाइम आप पेट डॉ कोई पेट ले लो बाद में आपका जो थॉट प्रोसेस है आप डॉग्स को लेके आपका जो मीनिंग आपने डॉग को दिया है वो चेंज हो जाए तो फिर अकॉर्डिंगली आपके एक्शंस भी चेंज होंगे दैट मीन्स अभी जो आपने सिंबल को मीनिंग दिया है जरूरी नहीं दस साल बाद भी आपने उस सिंबल को वही मीनिंग दिया हो फाइन तो ये डॉग की एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा पीपल आर एबल टू मॉडिफाई और ऑल्टर द मीनिंग्स एंड सिंबल्स दे यूज इन एक्शन एंड इंटरैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दियर इंटरप्रिटेशन ऑफ दिचुएशन ठीक है समझ गए वही डॉग की एग्जाम्पल यहाँ पे भी अप्लाई हो सकती है कि वो बाद में मीनिंग ऑल्टर करते हैं कि हो सकता है आप डॉग को पेट करना शुरू कर दो तो उसके बाद आपको लगे कि नहीं अगर कहीं पे डॉग भोंक रहे हैं तो हो सकता है उनको भूख लगी है तो जाके आप उसको खाना दे दोगे तो सिचुएशन के हिसाब से आपकी जो मीनिंग्स है वो भी चेंज होते रहेंगे फाइन तो जरूरी नहीं जो मीनिंग आज आपने किसी चीज को दिया है वो लाइफ लॉन्ग वही मीनिंग हो तो आप मीनिंग्स चेंज करते रहोगे तो क्या हमने सीखा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में कि इंटरैक्शन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल्स फाइन वो सिंबल जो है वो हम आगे वो देखेंगे अभी अभी हम स्टार्टिंग से जब पढ़ेंगे ये पहले साम कैसे किया है इसको ह्यूमन बीइंग्स में कैपेसिटी फॉर थॉट है जो सोशलाइजेशन से आता है वो कैपेसिटी फॉर थॉट में मतलब सोशलाइजेशन uh, में सोशल इंटरैक्शन में लोग कुछ मीनिंग सिंबल्स समझते हैं और उसकी वजह से अपना दिमाग लगाते हैं और अपने जो अपने आसपास जो सिचुएशंस हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं ठीक है मीनिंग्स और सिंबल्स है उसकी वजह से लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने इंटरैक्शन को और वो जो मीनिंग्स है वो उस इंटरेक्शन में चेंज होते रहते हैं जरूरी नहीं मीनिंग्स सेम रहे अब स्टार्टिंग का देख लेते हैं हर्बर्ट ब्लमर जो है वो स्टूडेंट थे मीड के ठीक है ये मीड आपको आगे जाके पढ़ना है उन्होंने कॉइन किया टर्म सिंबॉलिक इंटरक्शन 1937 में ठीक है ये देख लो हर्बर्ट ब्लमर इन्होंने क्वाइन किया टर्म सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म 1937 में इसके जो बेसिक टेनेट्स हैं वो सिमिलर टू फिनॉजी है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आप कैसे परसीव करते हो फिना को वो देखो देखो है तो ये इसमें बेसिकली सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म हो या फिनोमोलॉजी वगैरह हो या एथनोमेथोलॉजी जो आगे पढ़ना है इनका बेसिक फंडा सेम ही है सबका कि आपको इंटरेक्शन पे फोकस करना है ठीक है लेकिन ये अमेरिकन है और फिनलॉजी जो है कहां ओरिजिनेट हुआ है यूरोप में इसने रिजेक्ट किया बोथ सोशल एंड बायोलॉजिकल डिटर्मनिज्म को सोशल सोसाइटी डिटर्मिन करेगी आप कैसे इंडिविजुअल हो बायोलॉजिकल डिटर्मनिज्म मीनस बायोलॉजी डिटर्मिन करेगी या आप मेल हो या फीमेल हो एंड आर्ग्यू देट मैन हिमसेल्फ क्रिएट सोशल रियालिटी बाई मीनिंग क्रिएटेड थ्रू सोशल इंटरक्शन अब देखो मैन खुद अपनी सोशल रियलिटी क्रिएट करता है जैसे आपने कुत्ते को देखा आपने मीनिंग एसोसिएट किया कि ये डरावना है आपको काटेगा तो आपकी रियलिटी क्या आप कुत्ते को देख के भाग गए तो ये जो आप सब आपकी सिचुएशन है ये आपकी खुद की क्रिएट की हुई है थ्रू द मीनिंग जो आपने उस सिंबल को दिया हुआ है जो आपने डॉग को दिया हुआ है इट प्लेसिज अ स्ट्रॉग एम्फेसिस ऑन सिम्बल्स एंड लैंग्वेजेस एज कोर ऑफ ऑल ह्यूमन इंटरेक्शन ठीक है लैंग्वेज देखो काफी इंपॉर्टेंट है अगर लैंग्वेज मैं जो बोलूँ आपको हिंदी अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप ये वीडियो नहीं देख पाओगे ठीक तो है तो लैंग्वेज काफी इंपॉर्टेंट है कैरी फॉरवर्ड करने के लिए किसी भी इंटरेक्शन को किसी भी डिस्कशन को सिंबॉलिक इंटरक्शन जो थे वो इफेक्टेड बाय वेबर्स आइडिया ऑन वेरिस्ट एज वेल एज बाय द अदर आइडियाज ऑफ वेबर ठीक है वेबर हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है वो स्ट्रेस करता है सोशल फिनमिना पे विच मस्ट बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स फाइन इंटरेक्शन पे फोकस करता है क्योंकि इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव को बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू मीन इंटरेक्शन जो है वो पॉसिबल होते हैं ओनली थ्रू सम सिम्बल्स जिनको सिग्निफिकेंट सिम्बल्स बोलते हैं जैसे आपके लैंग्वेज या जेस्टर्स वगैरह इंटरेक्शन इन्हीं चीजों से पॉसिबल है फॉर एग्जाम्पल जब किसी को कॉल करने के लिए बोलते हैं तो हम एक सिम्बल बनाते हैं थाम्ब आप कान के साथ रखते हो और अपना जो लिटिल फिंगर है वो अपने लिप्स के साथ रखते हो तो अगर आप कहीं भी किसी को ये जेस्टर दिखाओ तो वो समझ जाएगा कि आप उसको बोल रहे हो कॉल करने के लिए तो ये इंटरेक्शन कैसे पॉसिबल हुआ थ्रू जेस्टर्स ये डायरेक्ट करता है हमारा अटेंशन टू दी डिटेल्स ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन ठीक है इसे हमारी जो इंटरेक्शन है वो पॉसिबल होती है ब्लमर ने कहा था बिहेवियरिज्म एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म टू फोकस ऑन फैक्टर्स दैट कॉज ह्यूमन बिहेवियर फंक्शनलिज्म कहता है कि जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे आपके लिए फंक्शनल हैं एज अ होल सोसाइटी को कवर कर सोसाइटी uh, को अलाइव uh, रखने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप कास्ट सिस्टम देख लो ये भी स्ट्रक्चर में आता है सोसाइटी के स्ट्रक्चरल फंक्शन बोलेंगे ये एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का हमें देखना है ये कैसे फंक्शनल है सोसाइटी के लिए ये बेसिक फंडा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का और बिहेवियरिज्म बोलता है कि कैसे आपका बिहेवियर डिटरमिन होता है आपके एक्सटर्नल स्ट्यूमलाई से इसमें मैंने आपको बच्चे और टॉय वाली एग्जांपल बताई ठीक है इंडिविजुअल्स अब देखो बिहेवियरिस्ट बिहेवियर बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर देख रहा है सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर ही डिटर्मिन कर रहा है उसी को पढ़ रहा है लेकिन ये दोनों अलग कैसे हुए ये एक्सटर्नल स्ट्यूमलाई की बात करता है और ये कहता है सिर्फ इंसान एक्सटर्नल स्ट्यूमलाई पे रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ही हैज सम कैपेसिटी फॉर थॉट इंडिविजुअल्स इन ह्यूमन सोसाइटी आर नॉट सीन एज यूनिट्स दैट आर मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल ठीक है और विद इन द कंफाइन्स ऑफ मोर और लेग स्ट्रक्चर अदर देर व्यूड एज रिफ्लेक्टिव और इंटरेक्टिंग यूनिट्स कि वो सिर्फ अगेन इस सेंटेंस का मीनिंग भी वही है कि सिर्फ एक्सटर्नल टूम पे रिएक्ट नहीं करते वो एज रिफ्लेक्टिव वो सोचते हैं क्वेश्चन करते हैं काउंटर क्वेश्चन करते हैं और अकॉर्डिंगली अपना जो इंटरेक्शन है वो फॉर्म करते हैं जो एल एम चेरन जो है उन्होंने फाइव बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोले सिम्बॉलिक इंटरेक्शन के विच इंक्लूड एक्साम्शन दैट ह्यूमन बींग शुड बी कंसिडर्ड एज सोशल एंड थिंकिंग बींगरमेंट सब्जेक्टिवली एंड नॉट ऑब्जेक्टिवली कॉज ऑफ ह्यूमन एक्शन लाइज इन प्रेजेंट एंड दे आर नॉट पैसव टू दियर एन्वायरमेंट ठीक है ये सारी चीज़ें अगेन इंटरेक्शनस्ट परस्पेक्टिव से ही आ, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी इंटरेक्शन की ही बात हो ये ह्यूमन बींग का अपना सोशल बींग है वो थिंकिंग बींग बींग्स हैं सोच समझ के अपने एक्शन करेंगे अपने एनवायरमेंट को सब्जेक्टिवली देखेंगे दैट मीन्स कोई मीनिंग एसोसिएट करेंगे ठीक है तो ये सारी चीज़ें काफी सिंपल है हम स्टार्टिंग के लेक्चर से मैं आपको ये चीजें बताती आ रही हूँ द एबिलिटी टू थिंक इज एम्बेटेड इन दी माइंड एंड माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल ब्रेन माइंड आपका अलग है ब्रेन अलग है ठीक है ब्रेन एक ऑर्गन है और माइंड जो है ये इसमें कैपेसिटी फॉर थाट है माइंड एक प्रोसेस है ये सिर्फ एक चीज नहीं है ये इट इज अ रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन माइंड इज अ रिजल्ट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस इट इज नॉट अ थिंग बट इज अ प्रोसेस

कन्वेंशनल सोशोलॉजिस्ट सिर्फ सोशोलॉजिस्ट को एक प्रोसेस देखते हैं जहां पे लोग चीजें सीखते हैं सोसाइटी लेकिन जो सिम्बॉलिक इंटरक्शन है वो सोशलाइजेशन को देखते हैं जो अलाव करता है लोगों को टू डिवेलप द एबिलिटी टू थिंक ओर डिस्टिंगटिवली टू डिप इन डिस्टिंगटिवली ह्यूमन वेज ठीक है ये आपको सोचने समझने की शक्ति देता है फर्दर मोर सोशलाइजेशन जो है ये एक सिंपल वन वे प्रोसेस नहीं है जहाँ पे uh, सिर्फ आप uh,

उसकी गलत बात रोकने के उनके बड़े की गलत बात रोकने की भी आप में जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए तो ये बच्चा फिर आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने उसको दी है उसको अकॉर्डिंगली अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करता है ठीक है इसीलिए इसको वन वे प्रोसेस नहीं किया कहा जाता ब्लमर ने कहा है नॉन सिंबॉलिक इंट्रैक्शन जो है डोंट रिक्वायर थिंकिंग बट सिंबॉलिक इंट्रैक्शन रिक्वायर थिंकिंग नॉन सिंबॉलिक इंट्रैक्शन मीन सिंपली एक्सटर्नल स्ट्यूमिला जैसे बच्चा रो रहा है आप चॉकलेट दे दो तो वो चुप हो जाएगा नॉन सिंबॉलिक इसमें थिंकिंग की जरूरत नहीं है लेकिन सिंबॉलिक इंटरेक्शन जिसमें सोशलाइजेशन की भी बात आ जाती है उसमें सोचने समझने की आपको जरूरत पड़ती है इसीलिए आप इसको बिल्कुल साइंटिफिक डिसिप्लिन ट्रीट नहीं कर सकते सोशोलॉजी को सिंबॉलिक इंट्रैक्शन कंसीव लैंग्वेज एज ए वास्ट सिस्टम ऑफ सिंबल्स लैंग्वेज है क्या बेसिकली क्या बोलते हैं ये सिंबॉलिक इंट्रैक्शन की इसमें काफी सारे सिंबल्स आते हैं वास्ट सिस्टम ऑफ सिंबल्स है और वर्ड्स भी आपके सिंबल्स हैं फाइन बिकॉज दे आर यूज टू स्टैंड फॉर थिंग्स एंड दे मेक ऑल अदर सिंबल्स पॉसिबल वर्ड्स ही आपके बाकी सिंबल्स को पॉसिबल बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अभी वर्ड्स से ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना कि वेडिंग रिंग एक सिंबल है दैट मीन्स आपको ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी जब तक मैं वर्ड्स ही अटर नहीं करूंगी अपने मुंह से तो वर्ड्स जो है ये मेक दे मेक ऑल अदर सिंबल्स पॉसिबल तो ये चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं लेकिन बहुत ही बेसिक बहुत ही सिंपल चीजें हैं पहले देख लेते हैं आप सिम्बल्स के बारे में सिंबल्स द इनेबल पीपल टू डील विद मटेरियल एंड दी सोशल वर्ल्ड बाय बे देम टू नेम कैटेगराइज रिमेंबर दी ऑब्जेक्ट्स दे एनकाउंटर देयर फॉर एग्जांपल आप कुत्ते से डरते हो उससे पहले उस आपको पता होना चाहिए कि ये कुत्ता है तो आपको पता होना चाहिए कि आप हिंदी में इसको कुत्ता बोलते हो इंग्लिश में इसको डॉग बोलते हो तो ये चीजें किससे पॉसिबल होती है सिंबल से दे इम्प्रूव द एबिलिटी टू थिंक एंड परसीव दायरमेंट अगेन आप वेडिंग रिंग की एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो थर्ड सिंबल्स इम्प्रूव द एबिलिटी टू थिंक सेम Although set of pictorial symbols would allow, would allow uh, limit the ability to think, language greatly expands िटी लैंग्वेज से आपकी improve हो जाती ability to think, थिंक ठीक है क्योंकि मैं दो बातें बोलूंगी कोई और दो बातें बोलेगा आगे से तो क्या होगा आपका जो थिंकिंग uh, एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और आपके अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो जा सकती है फोर्थ सिंबल ग्रेटली इंक्रीज दी एबिलिटी टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स ठीक है जो लोअर एनिमल्स मस्ट यूज ट्रायल एंड एरर लेकिन ह्यूमन बींगस क्या यूज करते हैं दे थिंक थ्रू सिम्बॉलिकली और ऑल्टरनेटिव एक्शन ले सकते हैं बिफोर एक्चुअली टेकिंग वन कि अगर मैं ये सोचू मैं ये करूं तो ऐसे हो जाएगा अगर मैं किसी चीज के लिए पहले ये वाला ऑप्शन लूँ तो ये हो जाएगा ठीक है और डिफरेंट ऑप्शन को एज डिफरेंट सिंबल्स ट्रीट कर सकता है और फिर फाइनली एक कंक्लूजन पे, आ सकता है कि उसके लिए बेस्ट वे कौन सा है किसी भी प्रॉब्लम को डील करने का फिफ्थ यूज ऑफ सिंबल्स अलाउज एक्टर्स टू टाइम टाइम स्पेस स्पेस एंड इवन देयर ओन पर्सोनास अब वगैरह आप पास्ट का भी कोई सिंबल आप पास्ट इमेजिन कर सकते हो किसी सिंबल को लेके फ्यूचर इमेजिन कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल पास्ट में आपके पास वो सैंड क्लॉक्स होते थे आप इमेजिन कर सकते हो तो वो अपने टाइम को कैसे देखते होंगे फ्यूचर में आप सोच सकते हो फ्लाइंग कार्स आएंगी तो उस सिंबल को लेके आप फ्यूचर के, तो के, तो के, के बारे में सोच सकते हो इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा जब फ्लाइंग कार्स आपके ऊपर से जा रही होंगी तो ये सारी चीजें थ्रू सिंबल्स पॉसिबल है सिम्बल्स अलाउस टू इमेजिन इवन दी मेटाफिजिकल रियलिटी सच एज हेवन और एंड हेल्थ की आप कैसे इसको इमेजिन कर सकते हो इसको एक सिंबल ट्रीट करके आप हेवन कैसा होगा हेल कैसा होगा आपको हेल में आप हेवन में क्या मिलेंगे आपको यूनिकॉर्न्स मिलेंगे आप एक जगह से दूसरी जगह यूनिकॉर्न पे जाओगे तो बेसिकली एक सिंबल को दिमाग में रख के आप इन चीजों के बारे में सोच सकते हो ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एस आई कैन बी सम हो गया ठीक है ये हमने पढ़ लिया अब देखो पॉपुलरली जो पर्सपेक्टिव है इट वॉज यूज बाय आर्सशाइल इन्होंने स्टडी किया था डेल्टा एयरलाइंस को डेल्टा एयरलाइंस के एयर होस्टेस को उन्होंने कहा था दे मैनेज डर इमोशंस टू सर्व पैसेंजर्स बेटर उसको इन्हें इमोशनल लेबर कहा था कि एयर होस्टेस चाहे अपनी जिंदगी में कितनी दुखी भी हो लेकिन आपको सर्व करने के लिए दे हैव टू कैरी देयर सेल्फ है स्माइल ठीक है उनको एक स्माइल रखनी है अपने फेसेस पे तो इसको इन्हें इमोशनल लेबर कहा था कि उनके इमोशंस को यूज करके अपना काम निकलवाती है कंपनीज जैसे डेल्टा एयरलाइंस तो आप बोल सकते हो कमोडिटाइज किया था उसके इमोशन को उनका इमोशन बिकता है जैसे सेल्स में अगर आप सेल्स में काम करोगे तो आपको एक अपना पर्सोना अपना एक जो पर्सनालिटी है वो वैसी मेंटेन करनी होगी आपको अगर सामने वाला गालियां भी देगा कि मुझे नहीं खरीदनी है मुझे नहीं इंश्योरेंस लेना लेकिन आगे से आपको एक काम कंपोजर अपना मेंटेन करना होगा फिर स्माइल रखनी होगी फेस पे तो आपके वो जो इमोशंस है उनको कमोडिटाइज किया है ठीक है तो इन्होंने सिंबॉलिक इंटरेक्शन किया था यूज करने के लिए टू अंडरस्टैंड एन आस्पेक्ट ऑफ लाइफ विच लुक्ड वेरी बेसिक एंड विच मोस्ट थिंग एज बींग अंडरस्टूड एंड कंक्लूडर्सनल थिंग लाइक इमोशन कैन ऑल्सो भी कमोडिड की काफी चीज को भी आप एक कमोडिटी बना सकते हो और कैसे वो थ्रू सिम्बल आप इंटरक्ट करते हो स्माइल रखे फेस पे तो उन्होंने यूज किया था इस वाले स्कूल ऑफ थॉट को अपनी थियरी अपनी स्टडी कम्प्लीट करने के लिए लाइक अदर नॉन पॉजिटिव अप्रोचे सिम्बॉलिक इंटरक्शन जो है इज ऑल्सो अक्यूज ऑफ हैविंग अरोक्रो फोकस एंड इग्नोरिंग द बिगर पिक्चर क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म में आप काफी सारी चीजें लिख सकते हो तो सच बताना अभी तक आप खुद भी सोच रहे होगे ना कि क्या पढ़ रहे हैं हम हमें तो ये सारी चीजें पता है मतलब ये तो इतनी बेसिक सी चीज है ये पढ़ के फिर आप क्या कर लोगे कुछ बड़ा तो नहीं कर सकते कोई बड़ी थ्योरी डेवलप तो नहीं कर सकते कोई बड़ी बात तो नहीं कर सकते तो वही इसके क्रिटिसिज्म में भी है फर्स्टली इग्नोर करता है कॉमन सोशल फैक्ट्स लाइक पावर स्ट्रक्चर उसकी तो बात ही नहीं की और जो सोशल ह्यूमन एग्जामिन करता है ह्यूमन इंट्रेक्शन को इन अ वैक्यूम पर ऐसा नहीं होता दे फोकस ओनली ऑन

इन्होंने इनका जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म uh, था उन्होंने क्या कहा था कि आपको इंडिविजुअल पे फोकस करो इंडिविजुअल के एक्शंस इंडिविजुअल का इंटरेक्शन इनने कहा अब स्माइल भी इंडिविजुअल की अपनी नहीं रही है वो वॉलेंट्रिल वो स्माइल भी नहीं कर रहा है तो बेसिक फंडा क्या हुआ फिर सिंबॉलिक इंट्रैक्शनज्म का तो दैट मीन्स आपको सोसाइटी को ही तो स्टडी करना है ना कि क्यों वो स्माइल भी उसकी खुद की नहीं रही है क्यों वो वॉलंट्रिली ओन नहीं कर सकता यूज नहीं कर सकता अपनी उस स्माइल को किसी एक मॉडर्न uh, कंपनी uh, में मॉडर्न सर्विस इंडस्ट्री में अकॉर्डिंग टू स्किट मोर जो इंटरेक्शन है लार्जली फेल टू एक्सप्लेन वाई पीपल कंसिस्टेंटली चूज टू एक्ट इवन इन गिवन वेज इन सर्टन वेज इंस्टेड ऑफ ऑल अदर पॉसिबल वेज की क्यों आप ए चूज करते हो और बी को चूज नहीं करते इसको एक्सप्लेन नहीं किया था

अब मार्क्सिस्ट को आप एज क्रिटिसिज्म हर जगह लिख सकते हो आपको पता होगा अगर आपको नहीं भी पता होगा एग्जैक्टली उन्हें क्या कहा है लेकिन कुछ ना कुछ आपके इकोनॉमी से रिलेटेड होगा आपके क्लास रिलेशन से रिलेटेड होगा क्योंकि इन, इनका जो कोर कॉन्सेप्ट था मार्क्सिज्म का वो यही था तो मैंने कहा मीनिंग सोशल इंटरेक्शन में डेवलप नहीं होते वो एक्सटर्नल फोर्स से ही होते हैं और वो जो मीनिंग्स होते हैं वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लास रिलेशनशिप डेवलप होते हैं कि क्या आप आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो हैव्स को बिलोंग करते हो या हैव नॉट्स को बिलोंग करते हो तो अकॉर्डिंगली चीजों के मीनिंग आपके लिए चेंज होते रहेंगे ठीक है तो ये हमारा सिम्बॉलिक इंटरेक्शन अगर समझ में आपको नहीं आएगा लेक्चर को आप एक दो बार सुनो ऑन रिपीट आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा काफी बेसिक सी चीज है सिंपल सी चीज है इंटरेक्शन करना थ्रू सिंबल्स फाइन और बाकी बातें जो सारी मैंने इसमें एक्सप्लेन की तो अगर आपको वीडियो पसंद आया डू गिव अ थम्स अप सब्सक्राइब टू तो माय चैनल और उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में कमेंट करके बताएं कैसा लगा अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम कंप्लीट जहां हम कंप्लीट करेंगे नितिन सांगवान सर का सेकंड चैप्टर एंड देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर सो द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे